कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। बड़ा भारत माने बड़े लोगों का भारत या गरीबों का भारत। मैं सत्ता पक्ष के तमाम लोगों को सुन रहा था, अगर गरीबों का भारत है तो फिर गरीबी क्यों है। और पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप भी लगा रहे थे कि 100 में 15 पैसा जाता था, किसानों का शोषण किया जा रहा, गरीबों का शोषण किया जा रहा है, शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। अदालत के चक्कर की वजह से तो उनका मानदेय बढ़ाने का काम कर दीजिए। टेलीकॉम सभापति जी, जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, वैसे तो अभी हमारी पार्टी का समय है, लेकिन 2 मिनट में जो अनक्लेम्ड रकम पड़ी हुई है 78,213 करोड़ रुपए, और बैंक में जो कम पैसा रखने पर यहाँ दरख्तों के साये में भी धूप लगती है। फुल फॉर्म में सपा सांसद आनंद भदौरिया, मोदी सरकार का रिफॉर्म जनता से कितना दूर है, अपने तर्कों में तथ्यों से एक एक कर बता दिया। अखिलेश के आनंद ने सदन में अपनी स्पीच से सरकार को जमीन की सच्चाई दिखाई तो सबने खामोशी की चादर ओढ़ ली। आनंद बोलते गए, बीजेपी सरकार के पोल खोलते गए, तालियां बजती गईं, सच सामने आता गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नवरत्नों में शुमार, सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में मोदी सरकार पर अपने शब्दों के जरिए ऐसी ऐसी चोट की कि सारे दावे एक एक कर टूटते चले गए। आनंद भदौरिया ने अपनी स्पीच की शुरुआत शायरी से की और अंत भी शायरी से, और इस बीच में ऐसे ऐसे तर्क दिए कि बजट में जो हसीन सपनों का संसार बना उसकी पूरी सच्चाई एक एक कर सबके सामने आने लगी। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। बकौल भारतीय जनता पार्टी, आर्थिक नीतियों पर दुनिया के सामने तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन बड़ा भारत माने आप क्या समझते हैं। बड़ा भारत माने बड़े लोगों का भारत या गरीबों का भारत। मैं सत्ता पक्ष के तमाम लोगों को सुन रहा था, अगर गरीबों का भारत है तो फिर गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भुखमरी क्यों है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे और पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप भी लगा रहे थे कि 100 में 15 पैसा जाता था, अब जब 100 में 100 पैसा जा रहा है तो देश के हालात ऐसे क्यों है। किसानों का शोषण किया जा रहा है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है, मजदूर का तो अंगूठा घिस गया है माननीय सभापति जी, अब उसका ई वेरिफिकेशन कैसे होगा, सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा कार्ड की बात यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे थे, लेकिन आपने कह दिया कि जिसके परिवार में 6 लोग होंगे उसी का कार्ड बनेगा, इस पर भी कभी सोचने का काम कर दीजिए। शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनको मानदेय नहीं बढ़ाना चाहिए, आपका नहीं परमानेंट कर सकते, अदालत के चक्कर की वजह से तो उनका मानदेय बढ़ाने का काम कर दीजिए। टेलीकॉम सभापति जी, जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, वैसे तो अभी हमारी पार्टी का समय है, लेकिन 2 मिनट में BSNL को छोड़ दीजिए तो सारी कंपनियों में, क्या आप नहीं कह सकते थे कि आनंद फानंद में इतना क्यों रेट बढ़ा दिया गया, मैं उस रेट को वापस लेने की मांग करता हूँ। सभापति महोदय, पुलिस ड्यूटी के 8 घंटे किए जाएं और पुलिस को भी छुट्टी देने का काम किया जाए, ये मैं मांग करने का काम करता हूँ। आपदा में अवसर लगातार आपका नारा सुनने को मिलता है, इसीलिए आपने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम लगा करके प्रीमियम पर 18% GST लगाने का काम कर दिया। माननीय सभापति जी, आर्थिक सर्वेक्षण में से स्पष्ट है कि देश में मांग सृजन होना चाहिए, इसलिए कृषि, ग्रामीण विकास, MSME तथा मैन्युफैक्चरिंग पर बिना ध्यान दिए ये संभव नहीं है, और पेट्रोल डीजल पर भी GST के दायरे में लाने का काम करना चाहिए, जिससे आम आदमी को कम से कम राहत मिल सके। जो अनक्लेम्ड रकम पड़ी हुई है 78,213 करोड़ रुपए, और बैंक में जो कम पैसा रखने पर 8,300 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, उससे कम से कम किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए। लेकिन मैं जानता हूं सभापति जी, ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना है, इन्हें पोत किसी एक आदमी को देना है, इन्हें एयरपोर्ट भी उसी उद्योगपति को देना है, इन्हें बिजली भी उसी उद्योगपति का सौंपना है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब वो उद्योगपति चाहेगा तो देश ठप कर देगा। अंत में यहाँ दरख्तों के साये में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र। थैंक यू।
आनंद भदौरिया ने पहले गरीबों की बात की, कहा जब ये देश गरीबों का है तो गरीबों की हालत इतनी पतली क्यों, जब ये देश किसानों का है तो किसानों को अपने हकों के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा, जब ये देश नौजवानों का है तो इतनी बेरोजगारी क्यों, जब देश में विकास की बयार बह रही गाँव की सड़कों में गड्ढे क्यों, महंगाई बेरोजगारी भुखमरी से लेकर भ्रष्टाचार पर अपनी बात रख दी। पूछ लिया, बहुत आप पूर्ववर्ती सरकार का हवाला देकर कहते हैं, पहले 100 में 15 पैसा लोगों के पास जाता था, अब 100 में 100 रुपए लोगों के पास जा रहे, तो हालात बद से बदतर क्यों हैं? जब वो उद्योगपति चाहेगा तो देश ठप कर देगा, अंत में यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है। श्री चलो यहाँ से चलें और उम्र थैंक यू।